सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालमा नॉलेज टू में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें एंड नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं शमुशी संस्कृत का एकादशवा पाठ, यानी कि 11वां लेसन, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, यानी कि अनोखा साक्षी। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, यानी कि आदेश पाकर दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य यानी कि वहां पहुंचकर काष्ठपटले यानी कि लकड़ी के पट्टे पर, निहितम यानी कि रखे हुए, पट्टाच्छादितम यानी कि कपड़े से ढके हुए, देहम यानी कि शरीर या शव को, स्कंधेन यानी कि कंधे पर, वहन्तो यानी कि लादे हुए, कंधे पर लादे हुए, न्यायाधिकरणम प्रति यानी कि न्यायालय की ओर, प्रस्थितो यानी कि चल दिया। आरक्षी सुपुष्ट देह आसी यानी कि रखवाला सुपुष्ट देह यानी कि तंदुरुस्त था। अभियुक्तश्च और अभियुक्त यानी कि आरोपी अतीव कृशकायः और आरोपी अत्यधिक दुर्बल था, कृशकाय यानी कि दुर्बल। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृति दुष्करम आसीत्। भारवतः शवस्य यानी कि भारी शव को स्कंधेन यानी कि कंधे पर, वहनम यानी कि ढोना, तत्कृति यानी कि उसके लिए दुष्करम आसीत् यानी कि कठिन था। स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म, वह स यानी कि वह भार वेदनया यानी कि भार की पीड़ा से, क्रंदन्ति स्म यानी कि रो रहा था, यानी कि वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम वाचा, उसके क्रंदन को निशम्य यानी कि सुनकर, यानी कि उसके रोने को सुनकर आरक्षी यानी कि रखवाला तम वाचा यानी कि उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम् चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः। तस्मिन् दिने यानी कि उस दिन, त्वया यानी कि तूने, अहम यानी कि मुझे, चोरिताया मंजुषाया यानी कि चोरी हुई पेटिका, ग्रहणात् वारितः यानी कि लेने से रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम् भुङ्क्ष्व, इदानीं यानी कि अब, निज कृत्यस्य यानी कि अपनी करनी का, फलम यानी कि फल, भुङ्क्ष्व यानी कि भोग, यानी कि अब अपनी करनी का फल भोग। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि, इस चोरी के आरोप में या मुकदमे में त्वम यानी कि तू, वर्षत्रयस्य यानी कि 3 वर्ष का कारादंडम यानी कि कारावास लप्स्यसि यानी कि पाएगा, यानी कि इस चोरी के मुकदमे में तू 3 वर्ष का कारावास पाएगा। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्, इति प्रोच्य यानी कि ऐसा कहकर, उच्च यानी कि जोर जोर से, अहसत यानी कि हंसा। यथा कथन चेद उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथन चेद यानी कि ऐसा कहकर या ऐसा कहते हुए, कश्चित यानी कि किंचित यानी कि किसी ने, या अगर ज्यों कहे, यथा कथन चेद यानी कि जिस किसी तरह, उभौ यानी कि तुम दोनों ने, शवमानीय यानी कि शव को लाकर, एकस्मिन् यानी कि एक, चत्वरी यानी कि चौराहे पर, स्थापित बंधु यानी कि स्थापित कर दिया या रख दिया, यानी कि किसी ना किसी तरह से उन दोनों ने उस शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, न्यायाधीशेन यानी कि उन न्यायाधीश ने, पुनस्तौ यानी कि तौ यानी कि उन दोनों को, पुनः यानी कि फिर, उनके उन दोनों को फिर से, घटनायाः यानी कि घटना के विषय यानी कि विषय में, वक्तुम यानी कि कहने का, आदिष्टो यानी कि आदेश दिया। आरक्षिणी निजपक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी यानी कि रखवाले ने निजपक्षम यानी कि अपना पक्ष, प्रस्तुतवती यानी कि प्रस्तुत करते हुए, आश्चर्यम अघरत स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, यानी कि उस रखवाले ने जब अपना पक्ष रख रहा था तो उसी समय आश्चर्यम अघरत यानी कि आश्चर्य हो गया, वह शव प्रावारकम यानी कि अपनी चादर को अपसारी यानी कि
हटाकर न्यायाधीशम यानी कि न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदितवान यानी कि निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि त्वया अहम् चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। यानी कि इस आरक्षी ने अध्वनि यानी कि मार्ग में यदुक्तम यानी कि जो कहा तद यानी कि वह वर्णयामि यानी कि बताता हूँ या वर्णन करता हूँ। त्वया अहम् चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः। त्वया अहम् यानी कि तूने मुझे चोरितायाः यानी कि चोरी चुराई गई या चोरी की हुई मंजूषा यानी कि पेटी का ग्रहणाद यानी कि लेने से वारितः यानी कि रोका था, अतः इसलिए निज कृत्य से यानी कि अपनी कर्मी का फल भोग। अस्मिन् चौराभि योगी त्वं वर्षत्रयस्य कारा दंडम लप्स्यसि इति। इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास पाएगा ऐसा। यानी कि इस चोरी के अभियोग में या मुकदमे में तू 3 वर्ष का कारावास पाएगा ऐसा। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणी यानी कि आरक्षी को यानी कि रखवाले को कारादंडम यानी कि कारावास का दंड आदिश्य यानी कि सुनाया और तम जनम यानी कि उस व्यक्ति को ससम्मानम यानी कि सम्मान के साथ मुक्तवान यानी कि छोड़ दिया। अतएव उच्यते यानी कि इसलिए कहा गया है दुष्करान् न्यापि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य विलल्येव प्रकुर्वते। मतिवैभवशालिनः यानी कि मति यानी कि बुद्धि, बुद्धि के वैभव से युक्त शालिनः यानी कि लोग, यानी कि वैभवशालीन जो लोग होते हैं जिनकी बुद्धि अधिक होती है यानी कि बुद्धि के वैभव से युक्त लोग दुष्करान्यपि यानी कि कठिन कार्यों को भी कर्माणि यानी कि कर्मों को कठिन से कठिन कर्मों को भी नीति युक्तिम यानी कि नीति और युक्तिम यानी कि उपाय का समावलंब्य यानी कि सहारा लेकर लीलैव यानी कि खेल खेल में प्रकुर्वते यानी कि कर लेते हैं। यानी कि लीलैव यानी कि खेल खेल में यानी कि बड़ी सरलता से प्रकुर्वते यानी कि कर लेते हैं। तो देखिए इस श्लोक का यही अर्थ है, यही आशय है कि जिनकी बुद्धि बहुत अधिक होती है, जिनकी बुद्धि से वैभवशाली लोग जो होते हैं वो कठिन से कठिन कार्यों को भी नीति और उपाय का सहारा लेकर बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 11वां लेसन समाप्त होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।